हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ हैवी मेकअप को कैसे रिमूव करते हैं एंड कैसे स्किन केयर करना चाहिए हैवी मेकअप करने के बाद से। जब आप अपना मेकअप रिमूव करते हो तो आप देखते हो आपका फेस जो है वो डल ड्राई खिंचा हुआ एंड डार्क स्पॉट्स वगैरह उभर के दिखने लग जाते हैं। तो अगर आप डेली स्किन केयर रूटीन नहीं करोगे तो आपके स्किन पे आ जाएगा पिगमेंटेशन, कहीं फेयर कलर रहेगा, कहीं डार्क, मतलब कहने का मतलब है कि आपके माउथ के अराउंड जो डार्कनेस रहती है, छाइयाँ आ जाता है, वो सारी चीज़ें अच्छे से स्किन केयर करना करने का नतीजा होता है। एंड जब भी आप धूप में निकलते हो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेकअप रिमूव करने के बाद से अपना स्किन केयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला। चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। दोनों आई मेकअप का वीडियो जा चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये है सिंपल मेकअप लुक एंड ये है थोड़ा सा डिफरेंट करने का कोशिश। एंड डे बाई डे मैं इसी तरीके की मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड वीडियोज लेकर आती रहूंगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हैवी मेकअप को रिमूव कर कैसे करना है एंड अपने स्किन का केयर कैसे करना है सब कुछ। सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज जाते रहती है पूरी बारीकी के साथ एंड ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी पूरी बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मेकअप को रिमूव करते हैं। एक्ने पिंपल वाली स्किन पे कैसे मेकअप करना चाहिए वीडियो जा चुका है, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी ये मेरा मेकअप के बाद का लुक है एंड मेकअप रिमूव करने के बाद से जो मेरा चेहरा दिखने वाला है वो देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। स्किन केयर देखने के लिए भी एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने फेस पे अगर आपने मेकअप किया हुआ है एंड मेकअप को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन बिना मेकअप रिमूव किए आपको नहीं सोना चाहिए रात में। मेकअप को रिमूव करके अच्छे से स्किन केयर करके ही सोना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अपना गुलाब जल अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लेना है एंड लेना है क्लींजिंग मिल्क, कोई भी कंपनी का ले सकते हो। ये है अरोमा का क्लींजिंग मिल्क, काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और स्किन टाइप है और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। इस तरीके से मैं फेस पे ले रही हूँ और हाथों पे लिया है एंड फेस को फैला देंगे, आईज पे भी फैला देंगे। मेकअप रिमूवर का भी यूज कर सकते हो कोई अच्छी कंपनी का, बट बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करने की वजह से मेकअप रिमूवर भी एक तरीके से केमिकल ही है। तो मैं सोचती हूँ कोई होममेड चीज़ें मिल जाए जिससे कि हमारा मेकअप भी साफ हो जाए और स्किन भी ज़्यादा खराब ना हो। तो क्लींजिंग मिल्क को लेना है, हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है 5 मिनट तक, ताकि जो भी मेकअप प्रोडक्ट आपके स्किन में गया है वो अच्छे से निकल जाए। आईज पे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आईज पे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और आईज का जो स्किन होता है वो हमारा बहुत पतला होता है और जल्दी इफेक्ट पड़ता है हमारे आईज पे मेकअप का एंड हमारा आईज के आसपास डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मुझे भी है। अभी मेकअप साफ करने के बाद आपको दिखेगा। तो अच्छे से मसाज करना है, तो बीच में स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो कट गया था बीच में। तो ऐसे ही मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। तो अब मसाज करने के बाद से मैंने लिया था पानी और अच्छे से स्पंज को उसमें डीप किया है। पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे और पूरे मेकअप को रिमूव करेंगे। मेकअप रिमूव होने के बाद से आपको दिख रहा होगा कि मेरे स्किन पे, एक बार में अच्छे से मेकअप रिमूव नहीं होता तो आप दोबारा से क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करोगे, बट मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम दोबारा से गुलाब जल अप्लाई कर ले रही हूँ। एक बार थोड़ा सा और क्लींजिंग मिल्क अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा और प्रोडक्ट बचा हुआ है फेस पे। तो दोबारा क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करने के बाद से पता चला कि मेरे फेस पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, अच्छे से रिमूव हो चुका है मेकअप, तभी भी निकल रहा है, देख रहे हो। और इसको दोबारा से साफ कर लेंगे। अब करेंगे हम लोग अपना स्किन केयर। अच्छे से फेस को साफ करने के बाद लगाएंगे गुलाब जल फेस पे और टॉवल से ड्राई करेंगे फेस को।
पहले टॉवल से अच्छे से ड्राई करेंगे। ये स्किन केयर बहुत जरूरी है, इसको स्किप नहीं करना है। जब भी आप मेकअप रिमूव करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं करनी है। मेरे फेस पे इस तरीके से आप देख रहे हो पिंपल्स वगैरह आ गए थे, एंड जो मेकअप प्रोसेस मैंने बताया है इतने से पिंपल्स के लिए, वही आप हैवी पिंपल्स एंड एक्ने पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे दोबारा से गुलाब जल अप्लाई करेंगे। गुलाब जल आपकी स्किन में से एक्स्ट्रा गंदगी को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद अपना जो भी फेवरेट मॉइस्चराइजर है वो लेंगे आप, और मॉइस्चराइजर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है। एंड जो भी आप लगाते हो मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेकअप करने से हमारी स्किन की जो नमी होती है, मॉइस्चराइजर होता है वो निकल जाता है, तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अच्छे से मसाज कर लेना है मॉइस्चराइजर लगा के, और अगर आप बाहर निकल रहे हो धूप में तो आप सनस्क्रीन बिल्कुल भी लगाना स्किप मत कीजिएगा। मैं तो ऐसे ही लगा के छोड़ देती हूँ, ये 5 से 10 मिनट में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, और मेरी स्किन को बचाए रखता है मेकअप के हार्मफुल केमिकल्स से। और कितना भी मेकअप करो, आप स्किन केयर अच्छे से कर रहे हो तो आपका मेकअप का जो नुकसान होता है वो आपकी स्किन पे नहीं दिखता है। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी इस तरीके की हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और पार्लर से रिलेटेड ऑल वीडियो देखने के लिए सेकंड चैनल पर जरूर जाइए। इंस्टाग्राम PreetiWhite24 है, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो उसको भी उस पर भी जरूर जाइएगा। इंस्टाग्राम का लिंक एंड सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इजीली जाके विजिट कर सकते हो मेरे दोनों चैनल्स पे।